तुम इधर देखो। हाँ मैं देख रही हूँ। अबेर अब क्या होगा? जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। क्या मतलब? भाभी मैं एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ और मुझे उसमें आपका साथ चाहिए। क्या करने जा रही हो तुम? तो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ। आप फिलहाल मिनाल को दोबारा अपने बाथरूम में छुपा दीजिए। वो नहीं है। नहीं है? कहां गई? पूरे घर में देखो जाके। मैं देखती हूं। कहां है? मैंने उसे पूरे घर में तलाश कर लिया, कहीं भी नहीं है वो। कहां है वो? मामा जान, वो मुझे लगता है वो घर छोड़ के भाग गई है। क्या? मेरी बच्ची घर छोड़ के चली गई। भाभी ये मिनाल अबीर ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब हम सबको उसका साथ देना पड़ेगा। लेकिन भाभी ये सोचो मिनाल, सोचो अगर अबीर का इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया तो बाबा जान तो उसे जान से मार देंगे और हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं। अबीर ने जो झूठ तुम्हें इस कैद खाने से निकालने के लिए बोला है मिनाल, वो भी रहेगा जाएगा। और फिर तुम दोबारा से इस कैद खाने में वापस आ जाऊंगी। लेकिन मैं अभी मिनाल, तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिनाल, हम सब तुम्हें मिलकर यहां से निकालेंगे। सिर्फ हम कौन है तो? नहीं, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मिनाल किसी की मदद के बगैर कहीं नहीं जा सकती। जरूर कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। अब तुम एक औरत होने का एहसास पा सकोगी बेटा। इतना सब कुछ खोकर मैं एहसास कभी नहीं पाना चाहती थी। तुम कुछ नहीं खो रही हो मिनाल, सिवाय बाबा जान के हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम सबको पता है कि मिनाल कहां है और तुम सब लोग मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या वो सब ठीक तो है? तुम जानते हो आफाक कहां गया होगा? जी वहीं क्या होगा ना, जहां उसकी दूसरी बीवी रहती है। जी शायद। घर का पता? जी आओ मेरे साथ। फार्म, आप अपना फोन साइलेंट रखें, मैं भी आपको कॉल कर रही हूं। आओ मेरे साथ आओ। मैं अम्मा जान को देखती हूँ। फहम, आप कुछ मत बोलिएगा, सिर्फ मुझे सुनते रहे। देखिए, बाबा जान ही समझते हैं कि मिनाल घर से भाग गई है और उन्हें इस बात का भी शक है कि या तो वो आफाक भाई के घर चली गई या आफाक भाई खुद उसे यहां से ले गए।
मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो यही इसी घर में मौजूद है। उसे हमने छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन आप लोगों के आने तक मैं उसे यहां से निकाल देना चाहती हूँ। और ये फैसला मैंने किया है मिनाल के लिए और उसके आने वाली जिंदगी के लिए। बस मुझे आपका साथ चाहिए। अच्छा सुनिए, जब आप वापस आने लगे ना तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं मौतात हो जाऊं। अच्छा अब मैं फोन रख रही हूँ, अम्मी जान को भी तो सारी बातें समझानी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अम्मा जान प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा, आप अल्लाह पे भरोसा रखिए। अब तक क्या ठीक होता आया जो अब ठीक हो जाएगा? अब तक तो सब कुछ बिगड़ता ही आया है। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। आपको क्या लगता है कि मिनाल ने गलत किया? हाँ गलत किया उसने, बिल्कुल गलत किया। तो आप क्या चाहती हैं कि वो सारी उम्र यहाँ पर रहे, इसी कैद खाने में, इसी घुटन में? घर से भागी हुई लड़की का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ढूंढो उसको, खुदा के लिए ढूंढो, उसे बर्बाद होने से बचा लो। लेकिन अम्मा जान अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो महफूज हाथों में है तो? क्या 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 तुम जानती हो कि वो कहां है? जी बताओ वो कहां है, बोलो खुदा के लिए बताओ मुझे वो कहां है। माजान पहले आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप बाबा जान को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुम लोग चाहते क्या हो? हम लोग मिनाल की खुशी चाहते हैं अम्मा जान, हम उसे इस कैद खाने से निकालना चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं कि मिनाल की कभी शादी ना हो? आप नहीं चाहती कि उसकी भी शादी, उसका भी घर बसे, उसका भी शौहर हो? हर औरत का ख्वाब होता है अम्मा जान, क्या उसे ख्वाब देखने का कोई हक नहीं? क्या इस तरह से उसके ख्वाब पूरे हो जाएंगे? जी अम्मा जान इसी तरह से उसके ख्वाब पूरे होंगे। अगर हम सब मिलकर ये साबित कर दें कि यही मिनाल के लिए बेहतर है तो क्या आप हमारा साथ देंगे? कैसे करोगी? आपको वो लड़का याद है सलमान? मुझे लगता है वो आ गए हैं। मुझे बहुत खुशी आप यहाँ आए। मुझे खुशी नहीं है यहाँ आके। मिनाल कहाँ है? मैं कुछ समझा नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ मिनाल कहाँ है? मिनाल अबजान आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिनाल यहाँ है? मुझे यकीन है वो यहीं है। फाहम ये सब क्या है? मेरे साथ ड्रामेबाजी मत करो आफाक। जो लड़की घर के बाहर झांक नहीं सकती वो घर से गायब हो गई, जरूर उसमें तुम शामिल हो। बताओ कहां है मिनाल? मिनाल घर से भाग गई है। तुम चुप करो, अपनी जबान बंद रखो। मैं तुमसे पूछ रहा हूं आफाक। अबजान जहां भी हो खैरियत से हो, मैं वाकई नहीं जानता वो कहां है। तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझसे टकराओ, और अगर तुम अपनी बीवी के कहने पे आ रहे हो तो हसन मेरा यकीन कीजिए, मैं वाकई नहीं जानता वो कहां पे है। मिनाल किसी की मदद के बगैर कहीं नहीं जा सकती, जरूर कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। हां जाओ सारे घर की तलाशी लो।
कुछ कहने की इजाजत चाहती हूँ बाबा जान। मैंने भी आफाक के लिए अपना घर छोड़ दिया था, अगर आफाक ने मेरा हाथ थाम लिया था। इस तरह घर से बाहर कदम रखने वाली लड़कियां अक्सर भटक कर बर्बादी की तरफ चली जाती हैं। अगर कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला हाथ ना थामे, और मिनाल का तो कोई हाथ थामने वाला भी नहीं है, यहां वक्त जाया करने से बेहतर है उसे तलाश किया जाए, पुलिस की मदद ली जाए। बाबा जान, मिनाल नहीं है। तुम लोगों में से कोई उनको जानता है जो मिनाल के रिश्ते के लिए आए थे? कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और उस गड़बड़ में तुम जरूर शामिल हो। बताओ कहां है मिनाल, बताओ। भूल जाइए आप मिनाल को। जी बाबा जान, भूल जाइए आप मिनाल को। आपकी कैद से तो वो निकल गई है, और शायद आपके लिए मर गई है वो। बदतमीज। तुम्हें क्या लगता है अर्जुमन, मिनाल क्या इस तरह से खुश रह सकेगी? जी अम्मा जान, सिवाय आपके और बाबा जान के हम सबको सब कुछ पता है, और हम सब इस बात से मुत्तफिक भी हैं। बस अब सिर्फ आपकी रजामंदी जानना बाकी है। लेकिन अर्जुमन, मिनाल है कहाँ? वो कहीं नहीं गई, यही है इसी घर। मैं भी उसे लेकर आती। मिनाल आखिर जा कहां सकती है बगैर बताए हुए? तुम्हारी तो उसके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। कहां जा रही है, क्या सोच रही है, कोई तो हिंट दिया होगा उसने। मुझसे कोई बात ही नहीं उसकी। मुझे लगता है फाहम जानता है, लेकिन अब्बा जान की मौजूदगी की वजह से मुझे बता नहीं सका। उसी के फोन का वेट कर रहा हूँ, देखो कब कॉल करे। बस करो बेटा, बस करो, क्यों रो रही हो बेटा, बस करो, बस करो। इधर देखो, तुम भी तो यही चाहती थी ना। अब तुम्हारे भाइयों ने और भाभियों ने जो भी फैसला किया है मुझे मंजूर है। अब तुम एक औरत होने का एहसास पा सकोगी बेटा। लेकिन अम्मी जान, इतना सब कुछ खोकर मैं ये एहसास कभी नहीं पाना चाहती थी। तुम कुछ नहीं खो रही हो मिनाल, सिवाय बाबा जान के हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पास हैं। हमें तुमसे मिलने के लिए कुछ भी करना पड़ा ना, तो हम जरूर करेंगे। लेकिन अर्जुमन, इस बात की क्या जमानत है कि वो लड़का इसे अपना लेगा? अम्मी जान, इस बात की जमानत मैं भी आपको दे सकती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम? जी अम्मी जान, वो सलमान और मैं पसंद करते हैं एक दूसरे को। मिनाल, बाबा जानना आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो मेरे साथ चलो,
आज से तुम मेरे पास ही रहोगी, मेरे कमरे में आओ मेरे साथ। अम्मा जान, लेकिन आपको अपने आप को संभालना होगा। देखिए, अगर बाबा जान को जरा सा भी शक हो गया कि ये सब कुछ मैंने किया है, तो आप जानती मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। उन्हें हकीकत का नहीं पता चलना चाहिए अम्मा जान। आओ मिनाल। कुछ पता चला मिनाल का? नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि किसको पता है कि मिनाल कहाँ है। क्या मतलब किसको पता है? किसी बात कर रहे हैं आप? तुम्हें, तुम्हें और तुम्हें, तुम सबको पता है कि मिनाल कहाँ है और तुम सब लोग मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज रात का वक्त दे रहा हूं, जिसने हकीकत आकर बता दी उसकी छूट हो जाएगी। खोज तो मैं निकाल ही लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे घर की इज्जत, मेरी बेटी घर से गायब रहे और मैं खामोश बैठा रहूं। भजन, आप खामखा शक कर रहे हैं। खबरदार फाहम, मुझसे डबल गेम मत खेलो, मत करो ऐसा। मैं अपने आपे में नहीं हूं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुम में से कोई कसूरवार निकला तो ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। रिलैक्स, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? जब हम लोगों को पता ही नहीं है कि मिनाल कहां पे, तो हमें बाबा जान की धमकियों को सीरियस लेने की जरूरत क्या? हबीब, अब सब ठीक है मिनाल, लेकिन ये सब कुछ कब तक चलेगा? कुछ भी करूंगा, लेकिन ना तो मिनाल से दस्तबरदार होऊंगा और ना ही आपको शर्मिंदा होने दूंगा। मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है बेटा। ये आजमाइश का वक्त है, हम सबको दिल बड़ा करके गुजरना होगा इस आजमाइश से। आप चले, चल के लॉन में बाहर बैठे, मैं रजिया से आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि बाप बेटे के झगड़े में ये बेचारी क्यों अंदर फंसी रहे, मैं यही इंतजार करता हूँ। अर्जुमन, हाँ फहम, तुम्हारे ही फोन का वेट कर रहा हूँ यार। उस वक्त से बताओ तो सही, असल बात क्या है? जी भजन, असल बात बताने के लिए आपको फोन किया। जरा ध्यान से सुनिए, वो मुझे लगता है वो घर छोड़ के भाग गई है। ऐसा सिर्फ आपके भरोसे के लिए किया गया, क्योंकि आपने यकीन दिलाया था कि सलमान मिनाल को अपना लेगा। अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, सुनो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं हूं यहां पे, सब देख लूंगा मैं, सब संभाल लूंगा। ओके, बाय। ओके, अल्लाह।
देख लिया ना मुमताज बेगम कि मैं बेटियों से नफरत क्यों करता था? क्योंकि बेटियां सर चुका देती है, नाक कटवा देती है। कटवा दी ना नाक मिनाल ने। दुआ कीजिए कि वो जहां भी हो खैरियत से हो। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि वो मर चुकी हो, और अगर मुझे कहीं नजर आ गई तो मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसे मत कहिए, खुदा के लिए ऐसे मत कहिए। तुम कहने की बात कर रही हो? मैं तो तहिया कर चुका हूं कि खानदान को पता लगने से पहले मैं अपने इरादे में कामयाब हो जाऊं। जाओ यहां से। समझ गई जी? ठीक है, करके दिखाओ। शाबाश, अब तुमने ये भूलना नहीं है। तुम इस तरह से नॉक करोगी तो ही मैं दरवाजा खोलूंगी। जी ठीक है। और याद रखना, मैं दोपहर का और रात का खाना सबके साथ नीचे डाइनिंग टेबल पे खाऊंगी, लेकिन तुम मिनाल बीबी का खाना छुपा के ऊपर कमरे में लाके उन्हें दोगी। और अगर बाबा जान को पता चल गया तो भांडा फूट जाएगा। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मेरी तरफ से भांडा नहीं फूटेगा। चलो जाओ। हबीब, अब सब ठीक है मिनाल, लेकिन ये सब कुछ कब तक चलेगा? जब तक तुम यहाँ रहोगी। और फिक्र मत करो, तुम ज्यादा अरसे यहाँ नहीं रहोगी। फहम की आफाक से बात हो गई, आफाक तुम्हें बहुत जल्द आके यहाँ से ले जाएगी। लेकिन भाभी, आप तो तब तक बिल्कुल अकेले हो जाएंगी ना। मेरी क्यों फिक्र करती हो? इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो मिनाल। मेरा क्या है, मैं अगर अकेली हुई तो अपने शौहर के घर में होंगी ना। और अब तो तुम भी अपने घर की होने वाली हो बहुत जल्द, है ना? और इसी में हम सबकी खुशी है। डैड, आप क्या समझ रहे हैं? मैं जो कुछ करूंगा आपकी मर्जी के बगैर करूंगा। मैं तो ये सोच रहा हूं बेटा कि तुम्हारी खुशी में मेरी मर्जी क्यों शामिल नहीं है। मैंने तो आज तक कभी जिंदगी में तुम्हारी किसी खुशी में टांग नहीं अड़ाई। डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझ पे भरोसा रखें, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। क्या करोगे तुम? कुछ भी करूंगा, लेकिन ना तो मिनाल से दस्तबरदार होऊंगा और ना ही आपको शर्मिंदा होने दूंगा। मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है बेटा। मेरे बाप दादा ने बड़ी मेहनत से ये इज्जत कमाई थी और मैंने इस इज्जत को कायम रखा है। और मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि तुम भी अपने बाप की इज्जत को इसी तरह कायम रखो ताकि ये तुम्हारी अगली नस्लों में चल सके। डैड, मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। ठीक है, तो तुम जो भी करो प्लीज मुझे एक माद में लेके करना। ठीक है, मैं जो भी करूंगा आपकी मर्जी से और आपको एतमाद में लेकर करूंगा। ठीक है जी, तेरा थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। और ईमान भाभी? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे महीनों बाद मिल रहे हैं। किसी वैलिड रीजन से अगर महीनों बाद भी मिलते तो मैं ऐसे ना पूछता शायद। अगर जिस तरह आपको हमसे अलग किया गया, ये आजमाइश का वक्त है। हम सबको दिल बड़ा करके गुजरना होगा इस आजमाइश से, खासतौर पर अर्जुन भाभी को।
ठीक कह रहे हो तुम। आपने ये नहीं पूछा कि भाभी कैसी है? जानता हूं बहुत दुखी है वो, लेकिन क्या किया जा सकता है यार। तुम उसे मुझसे मिलवाने के लिए आया करो कभी कभी। हाँ, अगर वो मिलना चाहे तो। क्या मतलब? मतलब ये कि वो अपनी सौतन के घर नहीं जाना चाहती। ये तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत अनाव वाली है। घर सौतन का है, ऑफिस तो सौतन का नहीं है। यहाँ तो मिलने आ सकती है मुझे। आपने उन्हें फोन भी तो नहीं किया। कर लूंगा यार। ये बताओ मिनाल कैसी है? डरी हुई है, मगर उसे सली है कि हम ठीक कर देंगे सब कुछ। अर्जुमंद भाभी के रूम में ही रहती है, उन्हीं के साथ सो रही है आजकल। चलो कुछ दिन के लिए ही सही, अर्जुमंद को किसी का साथ तो नसीब हो। सलमान से बात हुई आपकी? हाँ, बल्कि उसके डैड से भी। उनका कहना है कि वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे मिनाल और सलमान की शादी का। क्या मतलब? कौन सा रास्ता? अब तो इजीली दोनों का निकाह हो सकता है। इतना आसान नहीं है। सलमान के डैड का कहना है कि वो अपने खानदान में ये बात शेयर नहीं कर सकते हैं कि उनकी बहू घर से भाग के आई है। क्या बात है भाई, सब ठीक तो है ना? ये सोच उन्होंने पहले तो जाहिर नहीं की। हाँ, मेरे ख्याल में घबराने की कोई बात है तो नहीं, खामखा स्ट्रेस ले रहा हूं मैं। उन्होंने हर सूरत में मनाल को अपने घर की बहू बनाने का इरादा जाहिर किया है, और ये जिम्मेदारी खुद सलमान ने अपने सर ली है। लेकिन कैसे? ये तो सलमान ही बता सकते हैं। चौंक गए ना? हम फंसे हुए थे कि इस नए पेंट के कमर्शियल के लिए कौन सा रिनोन्ड आर्टिस्ट लें, और मेरे जहन में बस एक ही नाम आया, इसलिए मैंने साइट का पूरा आइडिया ही चेंज कर दिया। अच्छा, क्या किया? मैं दिखाना चाहता था कि एक मशहूर पेंटर आर्टिस्ट अपने घर में कैसे पेंट का सिलेक्शन करता है, कैसे रंग इस्तेमाल करता है, और जिस पेंट को वो चूज करेगा वो होगा हमारे क्लाइंट का प्रोडक्ट, वास्को पेंट। अच्छा, गुड आइडिया। कौन है वो आर्टिस्ट? द मोस्ट फेमस आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, द वन एंड ओनली पीरू खान। पीरू खान? पीरू खान इस वक्त लंदन में। हमारे पास इतना बजट है कि उसको लंदन से बुलाएं और यहाँ पर स्टे भी दें। बस यही तो बात है, पीरू खान इस वक्त कराची में है पिछले कोई 3 दिन से। हम उनसे एक दिन की डेट ले लेंगे और अपनी शूट कर लेंगे। पीरू खान कराची में? हाँ, मुझे फेसबुक से उसकी अपडेट मिली। मैं तो बस तुमसे डिस्कस करना चाहता था, तुम कहो तो कांटेक्ट करूँ उससे। नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कांटेक्ट करूंगा उससे। अर्जुमन, दरवाजा खोलो। मैं बाहर खड़ा हूं। क्या हुआ? मुझे बहू की फिक्र होने लगी है, कमरे में बंद होकर रह गई है। मैं सोच रहा था उसके बाहर बुलाऊं, उसका दिल बहले, लेकिन अंदर से कमरा लॉक किया हुआ। हो सकता है सो रही हो। ये सोने का कौन सा वक्त है भाई? हो सकता है वॉशरूम में हो। क्या हो गया आपको?
आप चले चल के लॉन में बाहर बैठे, मैं रजिया से आपके लिए चाय भिजवाती हूँ और जब अर्जुमन बाहर आएगी तो मैं उसे ले आऊंगी। नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि बाप बेटे के झगड़े में ये बेचारी क्यों अंदर फंसी रहे, मैं यही इंतजार करता हूँ। आप आए ना, मैं आप चले ना बाहर लॉन में बैठ। तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैं तो अपने और मीनाल के लिए चाय बनाने आई थी। दोबारा ये गलती मत करना, रजिया से कह दिया होता। अब जाओ जाकर मीनाल को चाय दो और अपनी चाय लेकर बाहर आओ। जी मीनाल, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। सब ठीक है बाबा जान, लॉन में चले गए। भाभी डर से मैं कांप रही थी। अच्छा अब रिलैक्स हो जाओ ना, मैंने कहा ना सब ठीक है। भाभी ये सब कब तक चलेगा? डर से मेरी जान निकल जाएगी। मैं कुछ करती हूँ मीनाल, अब ज्यादा दिन तुम्हें यहाँ पर नहीं रखा जा सकता। तुम क्या समझते हो इतना कुछ होने के बाद भी वो शख्स चुप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा? Obviously, मॉम वो चुप ही रहेगा। देखिए डैड, वो तो अपनी बेटी को ओन ही नहीं करता ना, वो तो चाहता ही नहीं है कि उसकी बेटी किसी की भी बीवी बने। क्या हो गया तुम दोनों को, दिमाग तो नहीं खराब हो गया दोनों बाप बेटे का? अगर उस भयानक शख्स को पता चल गया तो जानते हो कि अंजाम क्या होगा? माम कुछ भी नहीं होगा, वो भयानक आदमी कुछ नहीं कर सकता। बस एक मर्तबा मेरी शादी हो जाए उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकेगा। बेवकूफ हो तुम, तुम्हें बात का अंदाजा ही नहीं है। अगर उसने कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया कि हमने उसकी बेटी को जबरदस्ती अपनी बहू बनाया तो ये बात मीडिया तक जाके पहुंच चुकी, क्योंकि मीडिया तुम्हारी शादी की पहले ही कवरेज कर चुका होगा उस तुम्हारे एक्टिंग थ्रिलर के चक्कर में। और फिर ये बात उन लोगों तक भी पहुंच जाएगी जिनसे हम ये बात छुपाना चाहते हैं कि हमने लड़की को घर से भगा के शादी की है। और फिर वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, जगह जगह हमारी बदनामी होगी। और क्या चाहते हो तुम कि हमारी बदनामी हो? अरे वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। डैड क्या हो गया आपको, आप भी मॉम की बातों में आ रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तुम क्या समझते हो इतना कुछ होने के बाद भी वो शख्स चुप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा? ऑब्वियसली मॉम वो चुप ही रहेगा। देखिए डैड, वो तो अपनी बेटी को ओन ही नहीं करता ना, वो तो चाहता ही नहीं है कि उसकी बेटी किसी की भी बीवी बने। और जब उसकी शादी मुझसे हो जाएगी, जब वो मेरी बीवी बन जाएगी, तो वो दुनिया भरों को क्यों बताएगा कि उसकी बेटी किसी की बीवी बन गई है? लेकिन ये सब तो कयास आ रहा है ना बेटा। नहीं डैड, ये फैक्ट है, इट्स लॉजिकल। चलो फर्ज करो कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर उस शख्स ने वावेला मचा दिया तो फिर क्या करोगे तुम बताओ? तो हम कह देंगे कि ये शख्स पागल हो गया, और कहेंगे कि हो सकता है कि उसकी बेटी की शक्ल पीरू खान की बेटी से मिलती हो, मगर ये वो नहीं है। लेकिन इस झूठ को सच बनाने के सिलसिले में क्या कुछ करना पड़ेगा ये जानते हो? क्या करना पड़ सकता है? सबसे पहले तो हमें मीनाल की नई आईडी बनानी पड़ेगी। उसके बचपन से लेकर आज तक के सारे डॉक्यूमेंट्स नए सिरे से जाली बनवाने पड़ेंगे। और अगर ये बात मीडिया को पता लग गई तो मीडिया तुम्हारा क्या हाल करेगा तुम्हें पता है? और फिर उनके लिए इस मामले को जाली प्रूफ करना कोई मामूली बात होगी? तो कुछ नहीं होगा डैड, प्लीज ट्रस्ट मी। नहीं यार, मैं सलमान, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं।